हेलो एवरीवन, अभिषेक राघव हियर। आज जो हमारा टॉपिक है, हम बात कर रहे हैं क्लीवेज एंड इम्प्लांटेशन इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ओके, सो फर्स्ट इज क्लीवेज। क्लीवेज इट इज ए टाइप ऑफ डिवीजन इन विच सिंगल सेल जायगोट चेंज इनटू ब्लास्टोसिस्ट। जो जायगोट है वो चेंज हुआ आगे चल के किसमें? ब्लास्टोसिस्ट में। ओके, जो क्लीवेज है इन इट नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस व्हाइल साइज डज नॉट इंक्रीज। क्लीवेज के केस में जो सेल्स का नंबर है वो ही इंक्रीज होता है। जैसा हम यहां डायग्राम में देख सकते हैं, जायगोट है, उससे दो सेल बने, चार सेल बने, आठ सेल बने और आगे चल के इस तरीके से सेल्स का नंबर बढ़ता चला जाता है। तो यहां पे ये जो साइज है वो सेम है, साइज नहीं बढ़ रहा है। इज दैट क्लियर? ओके, इन ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स के केस में होता है होलोब्लास्टिक, होलोब्लास्टिक क्लीवेज। होलोब्लास्टिक क्लीवेज यानी कि कंप्लीट जायगोट, कंप्लीट जायगोट इज डिवाइडेड इनटू ब्लास्टोमर्स। कंप्लीट जायगोट इज डिवाइडेड इनटू ब्लास्टोमर्स। ओके, जो क्लीवेज का प्रोसेस है, फर्स्ट क्लीवेज अकर्स आफ्टर 30 आवर्स फ्रॉम फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के 30 घंटे बाद पहला जो क्लीवेज है वो होता है। फर्स्ट क्लीवेज अकर्स आफ्टर 30 आवर्स। तो एक सेल से कितने सेल बने? दो ब्लास्टोमर्स प्रोड्यूस हुए। देन सेकेंड क्लीवेज वो होता है आफ्टर 40 आवर्स। तो दो से कितने सेल बने? चार सेल बने। ओके, और जो थर्ड क्लीवेज है दैट अकर्स ऑन थर्ड डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद तीसरे दिन जो है वो होता है थर्ड क्लीवेज। और दो से कितने सेल बनते हैं? फिर 8 सेल्स। और ये जो सेल्स बनेंगे उन्हें हम क्या कहते हैं? ब्लास्टोमर्स। क्या कहेंगे? ब्लास्टोमर्स। जैसे हम यहां देख सकते हैं इस डायग्राम में, ओवरी है, ओवरी से सेकेंडरी ओसाइट रिलीज हुआ, यहां पे फर्टिलाइजेशन हुआ, मेल प्रोन्यूक्लियस फीमेल प्रोन्यूक्लियस दोनों आपस में फ्यूज करे, जायगोट बनाया। ओके, देन क्लीवेज हुआ, फर्स्ट क्लीवेज यहां पे हम मेंशन कर लेते हैं। फर्स्ट क्लीवेज एक से दो ब्लास्टोमर बने, सेकेंड क्लीवेज दो से चार, और थर्ड क्लीवेज तो चार से आठ। ओके, तो ये जो स्ट्रक्चर बनी हमारी 8 से 16 सेल की जो स्ट्रक्चर होती है दैट इज नोन एज मोरूला। उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं मोरूला। ओके, मोरूला एट टू 16 सेल स्ट्रक्चर फॉर्म्ड आफ्टर 4 days, फॉर्म्ड आफ्टर 4 days फ्रॉम फर्टिलाइजेशन। तो उस स्टेज को हम कहते हैं मोरूला। क्या कहेंगे उसे हम? मोरूला। और इसमें जो अपीयरेंस होती है दैट इज मलबेरी, मलबेरी लाइक अपीयरेंस। इस तरीके की अपीयरेंस होगी, इट विल बी लाइक एज मलबेरी। ओके, और हो क्या रहा है
जो जायगॉट है, फिर ये जो क्लीवेज हो रहा है हमारा, तो जो डेवलपिंग स्ट्रक्चर है, दिस लीड्स टू मूवमेंट फ्रॉम फैलोपियन ट्यूब, टू यूट्रस। फैलोपियन ट्यूब से किस तरफ मूवमेंट हो रही है? ये यूट्रस में। ओके, देन व्हाट आर द सिग्निफिकेंस, क्या सिग्निफिकेंस है क्लीवेज का? सिग्निफिकेंस ऑफ क्लीवेज, क्या सिग्निफिकेंस है? फर्स्ट, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइटोप्लाज्म इनटू ब्लास्टोमर्स। ब्लास्टोमर्स के अंदर जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन है वो एकदम इक्वल होता है। ओके, सेकंड, जायगोट जो कि कैसा था, सिंगल सेल, चेंजेस इनटू मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो। एंड थर्ड, इट हेल्प्स इन मॉर्फोजेनिक मूवमेंट्स, जो हेल्प करती हैं, विच फर्दर हेल्प इन गैस्ट्रुलेशन, फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर्स। किस चीज में हेल्प करेगी? फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर्स में। ओके, देन आगे इसमें जो है हमारा, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ओके, तो यहां पर 8 से 16, 16 से 32 और 32 से 64 सेल की जो स्ट्रक्चर है, ओके, 64 सेल स्ट्रक्चर, दैट इज नोन एज ब्लास्टोसिस्ट। क्या कहेंगे उसे हम? ब्लास्टोसिस्ट कहेंगे। ओके, तो ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, यहां पे हमने डायग्राम शो किया हुआ है, ये रहा डायग्राम ब्लास्टोसिस्ट का। ओके, तो इसमें क्या है, ट्रोपोब्लास्ट इनर सेल मास, और इसकी जो कैविटी है उसे हम कहते हैं ब्लास्टोसील। तो फर्स्ट इसमें क्या है? ब्लास्टोसील। तो ब्लास्टोसील क्या हुई? कैविटी ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, इट इज द कैविटी ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। क्या है ये? ब्लास्टोसिस्ट की कैविटी है। ओके, सेकंड इज ट्रोफोब्लास्ट। सेकंड कौन सा है? ट्रोफोब्लास्ट लेयर। कौन सी है ये? आउटर कवरिंग, आउटर एनवलप, दैट इज ट्रोफोब्लास्ट। और ये किस चीज में हेल्प करता है? प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू एम्ब्रियो एंड फर्दर फॉर्म्स, आगे चल के क्या बनाता है जो ट्रोपोब्लास्ट है? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनाएगा। कौन सी है? एमनियोन एंड कोरियोन, एमनियोन एंड कोरियोन। ओके, जो सेकंड है कौन सी है? थर्ड जो सेल्स है, दैट इज इनर सेल मास। तो जो इनर सेल मास है, ये अंदर वाला जो स्ट्रक्चर है, ये जो सेल्स है, तो इनर सेल मास क्या है? दीज आर प्रीकर्सर ऑफ एम्ब्रियो,
ये जो सेल्स हैं क्या है, ये प्रीकर्सर हैं किसके, एम्ब्रियो के। ओके, फिर इसमें भी रीजंस हैं, उनकी बात कर लेते हैं हम। रीजंस इन ब्लास्टोसिस्ट, पहला कौन सा है, एनिमल पोल, कौन सा है फर्स्ट, एनिमल पोल, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज एम्ब्रियोनिक पोल, एम्ब्रियोनिक पोल भी इसी को कहेंगे। ओके, तो जहां पर ये इनर सेल मास जुड़े हुए हैं, ये वाला जो हिस्सा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, एनिमल पोल, वेयर इनर सेल मास, इनर सेल मास आर अटैच्ड, तो उसे कहेंगे एनिमल पोल या एम्ब्रियोनिक पोल। और सेकंड कौन सा है इसमें, एब एम्ब्रियोनिक पोल, जो कि क्या है, अपोजिट टू एनिमल पोल, अपोजिट टू एनिमल पोल, अपोजिट टू एनिमल पोल, तो उसे हम कहते हैं एब एम्ब्रियोनिक पोल, क्या कहेंगे उसे हम, एब एम्ब्रियोनिक पोल। ओके, फिर इसमें एक टर्म आती है सेल्स ऑफ रॉबर, सेल्स ऑफ रॉबर, तो जो सेल्स ऑफ रॉबर है किसके हैं ये, दीज आर सेल्स ऑफ ट्रोफोब्लास्ट, ये सेल्स हैं किसके, ट्रोफोब्लास्ट के, जो विच आर इन कॉन्टैक्ट विद इनर सेल मास, जो किसके साथ कॉन्टैक्ट में है बेटा, इनर सेल मास के साथ कॉन्टैक्ट में है। ओके, जैसे हम यहां पे देखते हैं ये जो स्ट्रक्चर है ट्रोफोब्लास्ट की, ये वाले जो सेल्स हैं, ओके, तो ये किसके साथ कॉन्टैक्ट में है, दीज आर इन कॉन्टैक्ट विद इनर सेल मास, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, सेल्स ऑफ रॉबर। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें हमारा इम्प्लांटेशन, नेक्स्ट टॉपिक इज इम्प्लांटेशन। ओके, तो इम्प्लांटेशन क्या है, अटैचमेंट, अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट विद द एंडोमेट्रियम, विद द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस, दैट प्रोसेस इज नोन एज इम्प्लांटेशन। ओके, कब होता है, 7 days, इट अकर्स आफ्टर 7 days, आफ्टर 7 days फ्रॉम फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के 7 दिन बाद होगा इम्प्लांटेशन। ओके, यहां पे ये जो है 7th day, तो ये जो हमारा ट्रोपोब्लास्ट है, पूरा जो सेल है ब्लास्टोसिस्ट, ये आगे चल के एम्बेडेड हो जाएगा किसमें, एंडोमेट्रियम में, ये जो लेयर है, ये वाला जो स्पेस है, इट इज एंडोमेट्रियम, कौन सा है ये, एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस, यूट्रस की एंडोमेट्रियम। ओके, और यहां पे होता क्या है, एंडोमेट, जब इम्प्लांटेशन के केस में होगा क्या, जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है, जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है, ये अंदर की तरफ की जो लेयर है ना, ये इधर शो किया हुआ है, तो जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है ये क्या करेगी, डिवाइड करेगी और 2 layer बनाएगी, डिवाइड्स एंड फॉर्म 2 layer, किसके बीच में, बिटवीन एंडोमेट्रियम एंड इनर सेल मास, एंडोमेट्रियम और इनर सेल मास के बीच में 2 layer बनाएगी, ये शो किया हुआ है,
सिंस साइटोट्रोपोब्लास्ट एंड साइटोट्रोपोब्लास्ट। तो दो लेयर कौन सी है हमारी, ये फर्स्ट इज सिन साइटियो ट्रोफो ब्लास्ट एंड सेकेंड वन इज साइटोट्रोफो ब्लास्ट, साइटोट्रोफो ब्लास्ट। ओके, जो फर्स्ट है हमारी सिन साइटोट्रोफो ब्लास्ट है, ये शो किया हुआ है। तो ये कैसी है, बिल्कुल फ्यूज है, ये बिल्कुल फ्यूज है। तो यहां पे क्या है, नॉन डिस्टिंक्ट सेल बाउंड्रीज, नॉन डिस्टिंक्ट सेल बाउंड्री विद एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम के साथ हम डिस्टिंक्ट नहीं कर सकते इसे। ओके, जबकि जो साइटोट्रोपोब्लास्ट है वो यहां पे शो किया हुआ है, ये रहा, ये वाला जो हिस्सा है। ओके, तो ये प्रेजेंट है डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट लेयर किसके बीच में, बिटवीन द एंडोमेट्रियम एंड इनर सेल मास, इनके बीच में। ओके, देन ये तो था ट्रोपोब्लास्ट लेयर का फेट। अब जो हमारे इनर सेल मास हैं, जिन्हें आगे चल के क्या बनाना है, एम्ब्रियो बनाना है। क्या बनाना है जिन्हें आगे चल के, एम्ब्रियो। ओके, इनर सेल मास, ये जो शो किए हुए हैं सेल्स, ये जो इनर सेल मास हैं, ये आगे चल के क्या बनाएंगे, लेयर्स बनाएंगे। ओके, दीज विल डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट टू फॉर्म लेयर्स। ओके, तो इसमें पहले हम बात कर लेते हैं एमनियोटिक कैविटी, एमनियोटिक कैविटी यहां पे शो किया हुआ है, ये एमनियोटिक कैविटी। और ये जो अंदर की लेयर है ये कौन सी है, एमनियोन, अंदर की जो लेयर होगी ये हो गई एमनियोन। ओके, तो जो एमनियोटिक कैविटी है, ये वाले जो सेल्स हैं ब्लू वाले, ये कौन से, एपिब्लास्ट, जो ये बाहर ब्लैक वाले ये कौन से, हाइपोब्लास्ट। ओके, एमनियोटिक कैविटी प्रेजेंट किसके बीच में, बिटवीन एमनियोन एंड एपिब्लास्ट, एमनियोन और एपिब्लास्ट के बीच में मौजूद है। ओके, सेकेंड जो लेयर है दैट इज एपिब्लास्ट, फर्स्ट लेयर, सॉरी नॉट सेकंड, वो तो कैविटी है हमारी। तो क्या है ये, फर्स्ट लेयर कौन सी है, एपिब्लास्ट। किस तरह के सेल्स है इसमें, कॉल्यूमनर सेल्स, कॉल्यूमनर सेल्स। और जो नेक्स्ट लेयर है दैट इज हाइपोब्लास्ट, नेक्स्ट लेयर कौन सी है, हाइपोब्लास्ट। और हाइपोब्लास्ट में किस तरीके की सेल्स हैं, इट इंक्लूड क्यूबॉइडल सेल्स, क्यूबॉइडल सेल्स, किस तरह की सेल्स हैं, क्यूबॉइडल सेल्स हैं। ओके, और ये जो एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट, ये दोनों मिलके क्या बनाती हैं लेयर, एम्ब्रियोनिक डिस्क। क्या बनाएंगे दोनों मिलके, एम्ब्रियोनिक डिस्क, एपिब्लास्ट प्लस हाइपोब्लास्ट, एपिब्लास्ट प्लस हाइपो ब्लास्ट, इज दैट क्लियर। ओके, अब यहां पे रोल आता है किसका, जोना पेल्यूसिडा का, रोल ऑफ जोना पेल्यूसिडा। रोल ऑफ जोना पेल्यूसिडा, तो जोना पेल्यूसिडा हमने पढ़ा था फर्टिलाइजेशन में, फर्टिलाइजेशन में इसका रोल था इट अवॉइड्स पोलिस्पर्मी, ये अवॉइड करती है पोलिस्पर्मी को। ओके, और इम्प्लांटेशन में क्या रोल है जोना पेल्यूसिडा का, इट अवॉइड्स द एबनॉर्मल
अटैचमेंट, इट अवॉइड्स दी एबनॉर्मल अटैचमेंट, या हम कह देते हैं इट अवॉइड्स अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू एबनॉर्मल साइट. कैसे? बाय प्रिवेंटिंग ट्रोफोब्लास्ट सेल्स टू रिलीज स्टिकी सब्सटेंस एट एबनॉर्मल साइट. ओके, जो नॉर्मल साइट है इम्प्लांटेशन की वो कौन सी है? इंटरनल ओएस ऑफ यूट्रस. ओके, और यहां पे टर्म और बात कर लेते हैं हम, एक्टोपिक प्रेगनेंसी. एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है? एबनॉर्मल अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एट एबनॉर्मल साइट, उसे कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी. और एबनॉर्मल साइट होती कौन सी? मेनली फेलोपियन ट्यूब. कौन सी होती है? दैट इज फेलोपियन ट्यूब. ओके, देन नेक्स्ट इसमें आता है रोल ऑफ ह्यूमन कोराइनिक गोनेडोट्रोपिन्स. एचसीजी हॉर्मोन्स का क्या रोल? ओके, तो कहां से रिलीज हो रही हैं जो एचसीजी सेल्स हैं? दीज आर सिक्रेटेड फ्रॉम ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स. कहां से रिलीज हो रही हैं? ट्रोफोब्लास्टिक सेल से रिलीज हो रहे हैं. ओके, और क्या करते हैं ये? टेक ओवर दी वर्क ऑफ LH ऑफ पिट्यूटरी के LH लुटिनाइजिंग हार्मोन के वर्क को यही परफॉर्म करते हैं. ओके, सो एक्ट एज लुटिनाइजिंग हार्मोन. किस तरीके से एक्ट कर रहे हैं? लुटिनाइजिंग हार्मोन के तरीके से ये एक्ट कर रहे हैं. ओके, क्या करते हैं ये एक्ट ऑन कॉर्पस ल्यूटियम टू सिक्रीट. क्या सिक्रीट करें? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन. और यहां पे फिर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का रोल आ जाता है. तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन किस चीज में रोल प्ले करता है? ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान किसका? एंडोमेट्रियम को क्या कराना? ग्रो कराना. ओके, सेकंड प्रिवेंट मेंस्ट्रुएशन या प्रिवेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या करना? प्रिवेंट करना. और थर्ड मेन आ जाता है सिक्रीट म्यूकस एट सर्विक्स रीजन टू फॉर्म म्यूकस प्लग. क्या बनाने के लिए? म्यूकस प्लग बनाने के लिए. इज दैट क्लियर? ओके, जो ये एचसीजी इट्स प्रेजेंस इन यूरिन
प्रेजेंस ऑफ HCG इन यूरिन ऑफ फीमेल शोज दैट फीमेल इज प्रेग्नेंट. फीमेल क्या है? प्रेग्नेंट है. ओके, यहां पे दो टर्म और आती हैं, उनकी बात और कर ले हम. एक आता है एम्ब्रियो और एक वर्ड है फीटस. एम्ब्रियो एंड फीटस. एम्ब्रियो हम किसको कहते हैं? जायगोट टू सेकेंड मंथ स्ट्रक्चर फॉर्म्ड, उसे हम कहते हैं एम्ब्रियो. और फीटस हम किसको कहेंगे? फ्रॉम सेकेंड मंथ टू बर्थ. सेकेंड मंथ ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो टिल बर्थ, उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फीटस. ओके, थैंक यू. खोल के क्यों कर ले?